जो कुछ भी हमें पढ़ना है वो सभी का प्रूफ करा जा सकता है। बट क्या है कि हम लोग प्रूफ में अभी नहीं जाने वाले हैं, एंड थोड़ा थोड़ा जो बेसिक फॉर्मूले हैं मैं उसको लिखूंगा और आप उसको याद रखेंगे, है ना सभी लोग। चलिए तो हम लोग कुछ जो इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है हम उसको लिख लेंगे। हाँ तो पहले तो हम लोग लिख लेते हैं वाई इक्वल्स टू एफ एक्स। हम लोग फंक्शन लिखते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स। हाँ जी, और साथ में आप लिखिए इसी को लिखेंगे हम dy बाई डी एक्स, या हम लोग इसी को जो भी d ऑफ एफ एक्स अपॉन डी एक्स, या इसी चीज को हम लोग एफ डैश एक्स बोलते हैं। हाँ ये तो हमारा फंक्शन है और ये उसका कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशिएशन है। तो चलिए कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन में भी आपको पता है तो भी अच्छा है, नहीं है तो आप अभी से इस चीज का ध्यान रखें और याद रखें। राइट नाउ पहला हम लोग लिखें तो मैं लिखता हूं वाई इक्वल्स टू, चलिए मैं लिख लेता हूं साइन एक्स। हाँ तो साइन एक्स का देखिए ऐसे लिखोगे तो आप डीवाई बाई डी एक्स लिखें, बिल्कुल y और fx लिखना तो ये इट्स अ स्टैंडर्ड एंड जनरल वे टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन। हाँ बट दिस टाइम आवर फंक्शन इज व्हाट साइन, तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, हम बोलेंगे भी इसको डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट साइन x। तो साइन x का डिफरेंशिएशन बिल्कुल आप से आप याद रखेंगे क्या cos x। राइट नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ, चलिए मैं लिखता हूं cos x। हाँ तो आप लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, y इक्वल्स टू हम लोग लिख लेते हैं cos x। हाँ तो डिफरेंशिएशन ऑफ ऐसे ही लिख दीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट cos x, तो ये आता है माइनस साइन x। देखिए कुछ लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम जरूर हो सकता है कि हम लोग कैसे लिख पा रहे हैं इन चीजों को, तो देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स आपने कॉस एक्स लिख दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स आपने माइनस साइन एक्स लिख दिया। देखिए इन सब का प्रूफ होता है और बिल्कुल हम बता भी सकते हैं, या अभी मैं बोलूँगा ना कि प्रूफ पे हम लोग बाद में बात कर लेंगे, फिलहाल जो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं उनको ज़रूर याद ही रखें। राइट एनीवे नेक्स्ट हम लोग लिखें। हाँ तो मैं लिखता हूँ यस y इक्वल्स टू टैन x, डिफरेंशिएशन ऑफ टैन x, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ टैन x इज sec स्क्वायर x। हाँ वन मोर y इक्वल्स टू चलिए चाहे तो आप sec x भी लिख दीजिए। ये देखिए ये सब स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो बिल्कुल आप इनको ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो ऐसे अगर लिखेंगे sec x तो डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर हम लोग sec x की बात करें तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। देखिए कुछ जो डेरिवेशंस हैं वो हम लोग जब पढ़ेंगे तो वो डेरिवेशंस को मैं बता भी दूंगा, है ना, आएगा वन बाय वन, लेकिन अभी हम लोग फोकस वे में सारे फॉर्मूले को एक साथ सोच रहे हैं कि लिखते हैं सो दैट कि हम एक टेबल बना के ध्यान रखें, है ना। हमें डेरिवेशन अभी जरूरत नहीं है, पूछने वाले भी नहीं है, और इसकी जो डिफरेंशिएशन की अंडरस्टैंडिंग है मैंने आपको समझाया कि केवल ये बहुत स्मॉल चेंजेस के बारे में स्टडी हो रही है। राइट नाउ नेक्स्ट हम लोग और जो कुछ फॉर्मूले हैं उन पर बात करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग टेबल को बना लेते हैं आगे। यस फिर से अगर चाहें तो मैं लिखता हूं y इक्वल्स टू एफ एक्स हमारा चल रहा है। हाँ और कॉरस्पॉन्डिंगली हम लोग जो फॉर्मूले हैं उसको लिख रहे हैं। हाँ जी और चलिए लिख ही डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके से। तो अगर आप इसमें बात करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स अपॉन डी एक्स, हाँ और ये हम लोग एफ डैश एक्स लिख रहे हैं, हम लोगों ने कुछ लिखा था और मैं लिख दे रहा हूँ। तो वाई इक्वल्स टू अगर हम लोग लिखते हैं कॉट एक्स,
तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स, ध्यान से ये प्रेजेंटेशन है, ये ऐसे ही लिखें, हाँ, तो ये आ जाता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, हाँ। अगर हम लोग लिखें y इक्वल्स टू कॉसेक एक्स, हाँ, तो चलिए अगर हम लोग इसको थोड़ा टेबल फॉर्मेट में लिखें, हाँ, थोड़ा बेटर दिखेगा। एनीवे, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स अपॉन डीएक्स, तो दिस वैल्यू इज माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, सॉरी कॉसेक एक्स, हाँ इतना ही होता है, ठीक ना। नाउ और भी कुछ स्टैंडर्ड है, हाँ और भी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, उनको भी हम लोग लिख लेते हैं। जैसे मैंने एक आपको फंक्शन बोला होगा, अब नहीं भी अगर जानते हैं तो आप इसको ध्यान रखें, ये है ई एक्स, राइट। तो ई एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो आपका ई एक्स ही रह जाता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, हाँ। तो बिल्कुल आपको तो याद ही रखना है फिलहाल, हाँ जी, हाँ। नाउ वन मोर, वाई इक्वल्स टू, y इक्वल्स टू, हम लोग ध्यान से log e बेस x को ln x लिखते हैं। देखिए किसी को हो सकता है कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में आइडिया ना हो, ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, तो आप डोंट वरी, आप तो फिलहाल अभी फोकस करें कि जो लिखा है उसका फॉर्मूला डिफरेंशिएशन क्या होता है, है ना, तो इससे हमारा अभी काम चल जाएगा, ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना, राइट। एनीवे, तो डिफरेंशिएशन अगर हम लोग ln x का लिखें, हाँ, तो ये आता है 1 बाई एक्स, राइट। तो ये इस तरीके से जो कुछ हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशिएशंस लिखे हैं। नाउ कुछ और भी चीज़ें हैं जो इससे रिलेटेड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो हम उस पर भी 1 बाई 1 करके आते हैं नेक्स्ट। चलिए, तो अगर जैसे मैंने बोला था, एक हम लोग इसको लिखते हैं, हाँ, और स्पेशली, हालांकि ये भी फॉर्मूला है, हम इसको लिखते हैं स्पेशल ऐसे, थोड़ा ज़्यादा फेमस है पावर फॉर्मूला करके। तो पावर फॉर्मूला कुछ और नहीं है, अगर y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर a हो जाए, मैं बोलूँगा कि ये भी तो कुछ फंक्शन ही है, यस बिल्कुल ये भी फंक्शन है। नाउ वेयर a जो है एक कॉन्स्टेंट होता है, हाँ a जो है वो एक कॉन्स्टेंट होता है, तो कुछ भी हो सकता है, मैं बोलूँ प्लस माइनस वन, प्लस माइनस वन बाई थ्री, कुछ भी, हाँ आप समझे, तो जो भी रियल नंबर एंड ऑल, तो इस तरीके से कुछ भी होगा, आप सेवन, हाँ प्लस माइनस वन बाई सेवन, मतलब इंटीजर फ्रैक्शन कुछ भी हो ये चलेगा फॉर्मूला, हाँ। तो सिंपल सिंपल डी वाई बाई डी एक्स, हाँ जी, अगेन डी वाई बाई डी एक्स बोलने का मतलब जनरल वे में फंक्शन का डिफरेंशिएशन, हाँ, और दिस टाइम आवर फंक्शन इज दिस, हाँ। तो जो भी कुछ a है, मैंने बोला था आप उससे मल्टीप्लाई कर दें, और जो पावर है आप उससे एक कम कर दें। इसी के बेसिस पर हम लोगों ने एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिखा था, हाँ, और हम लोगों ने इसको प्रूफ भी करा था, तो कोई बात नहीं, प्रूफ तो नहीं करने हैं, बस हमें याद रखने हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट, अगर कुछ और भी मैं बात करूं तो लिखते हैं, चलिए एक दो छोटा सा यहीं पर लिख देते हैं, कि अगर y इक्वल्स टू c है, मतलब एग्जैक्टली ये कांस्टेंट है, हाँ कांस्टेंट है, तो ध्यान से कांस्टेंट का अगर आप ये, मतलब आप कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन लिख रहे हैं, तो यस जीरो, हाँ देखिए आप बातों को समझो, बिल्कुल सही बात आ रहा है क्या, कि हम तो ये जो होता है ये बिल्कुल ही बारीक स्मॉल चेंजेस के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो कांस्टेंट का मतलब ही होता है कि वो चेंज नहीं होगा, हाँ कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट है, छोटा या बड़ा कैसा भी चेंज नहीं होना है, राइट। तो बिल्कुल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है वो क्या आता है, जीरो, यस बिल्कुल ध्यान रखें। तो ये चीज़ है, ये फॉर्मूला भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है, हाँ, तो आप चाहें तो इसका ध्यान रखेंगे, है ना। और ऐसा नहीं है, इम्पॉर्टेंट तो सभी है, ठीक है,
जो भी चीज़ कुछ हमसे पूछ दिया है जाए वो सब इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकता है वो सब इम्पोर्टेंट ही है ना। एनीवे चलिए हम लोग और आगे चलते हैं और इसके और भी कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं ना। देखो जो कुछ हमारे को लिखा गया है उसमें से अब हम एड ऑन बोल लो या डिटेल्स को बढ़ाते हुए और आगे पढ़ते हैं। क्या है? अगर किसी फंक्शन में कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, हाँ ध्यान से, केवल अलग से कांस्टेंट होना अलग बात है, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, तो आप जब dy by dx लिखेंगे तो लिखने का तो तरीका यही है, हाँ, लेकिन हम इसको बोलते हैं कि आप चुपचाप कांस्टेंट को बाहर लिख लीजिए, हाँ जी, और आप इतना लिखते हैं आपका काम हो गया, समझ रहे हैं? तो ये हमारा तरीका है। नाउ अगर आप चाहें तो समझ ही रहे हैं कि जो भी आपका कुछ फॉर्मूला आ रहा है आप उसको लिख लीजिए एंड कांस्टेंट को एज इट इज मल्टीप्लाइड रखें, राइट? आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए कांस्टेंट अलग से रहना, जैसा कि हम लोगों ने लिखा था, केवल कांस्टेंट है, हाँ, तो केवल कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, बट कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाइड है, हाँ, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाइड है किसी फंक्शन में तो वो एज इट इज मल्टीप्लाइड रहेगा, बस आप जो फंक्शन है उसी का डिफरेंशिएशन कर दें, राइट? नाउ अगर मैं एक दो बेसिक एग्जांपल्स लिखूं तो हम लोग लिख सकते हैं और मैं लिखता हूं। चलिए अगर मैं बोलता हूं कि y इक्वल्स टू, हाँ चलो ऐसा भी मैं लिख देता हूं, x टू द पावर 5 है तो dy by dx, हाँ जी, तो आप लिख सकते हैं फाइंड dy by dx। तो देखो मैं बोलूंगा कि ये तो कोई क्या क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाली बात है, dy by dx बहुत सिंपल वे में ये क्या करना होगा, जो पावर है उससे मल्टीप्लाई, हाँ हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, वट एवर कुछ भी रहेगा, और जितना पावर है आप उसमें से एक कम कर दीजिए, मतलब 5x टू द पावर व्हाट 4, दैट्स ऑल। आई डोंट थिंक कि देखिए मैं बोल रहा हूँ डेरिवेशन में हम लोग नहीं जाना है, हम लोग जो फॉर्मूला बेसिक लिखा था आप उसी पर ध्यान रखेंगे, हाँ, और हमारा बिल्कुल डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, हमारे फिजिक्स में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, राइट? और इतने की ही हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, इतने से हमारा 2 साल फिजिक्स चलता है, हाँ। एनीवे कुछ और एग्जांपल्स हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट अगर मैं y इक्वल्स टू रूट एक्स लिख दूं, हाँ, और लिखते हैं फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx, हाँ जी, तो अगर आप इसका करेंगे तो मैं तो बोलूंगा कि सॉल्यूशन देखने से पहले आप लोग ट्राई करें, इसका आंसर कमेंट करें, हाँ, और मैं बोलता भी हूँ जो कुछ भी सिंसियरली और रेगुलरली रिप्लाई करते हैं मैं उनको स्पेशली जो भी उनका डाउट होता है मैं पर्सनली भी उनको एड्रेस करता हूँ, आप इसको ट्राई कर सकते हैं और आंसर कमेंट कर सकते हैं। नाउ अगर हम लोग इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो देखिए डिफ्रेंसिएशन हमें करना है एक्स टू द पावर, बिल्कुल आप रूट एक्स को एक्स टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल। नाउ मैंने बोला ना कि ये भी आपका वही काम करना है, वॉट एवर ए, हाँ है ना, पावर में कुछ भी रहे, इंटीजर फ्रैक्शन प्लस माइनस सब में यही काम करना होता है, जो पावर है आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड जो कुछ भी पावर है उसमें से एक कम कर दीजिए, दैट्स ऑल, इतना ही है। नाउ उसके बाद आपका सिंप्लीफिकेशन है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए एंड आई डोंट थिंक कि ये आपके लिए कोई हेडक वाला बात है, 1/2 हो गया एक्स माइनस 1/2 हो गया, हाँ आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2, ये नीचे जाके पावर 1/2 हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल। तो ये तो आपका सिंप्लीफिकेशन का मैटर है और आप चाहें तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे बात कर सकते हैं, हाँ है ना, और ये जो भी कुछ आ रहा है क्या रहा है 1/2, हाँ, और नीचे में 1/2 आ रहा है, मतलब ये तो इसका ये आंसर है डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स का। देखो आंसर, हाँ सॉरी, ये तो हमारा रूट एक्स है ना,
हाँ दिस वैल्यू इज रूट एक्स, यस कौन है एक्स का पावर 1/2। तो देखो ये रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आ गया 1/2 रूट एक्स। हाँ कुछ नहीं, तरीका यही है, काम वही है, मैंने बोला है कि जो 7-8 फॉर्मूले हैं आप उसको याद रखोगे, कोई समस्या नहीं आनी है। हाँ नेक्स्ट, चलिए एक दो और मैं एग्जांपल लिखता हूँ, उसको भी ट्राई कर लीजिए। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब टू एक्स क्यूब, हाँ तो dy बाई dx बताइए। जो भी है फाइंड डिवाइड बाई डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉल्यूशन लिखें। हाँ और अगर हम लोग डीवाई बाई डी एक्स लिख रहे हैं, बिल्कुल मैंने बोला कि अगर कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाइड है तो आप उसको बाहर ही रखें और जो कुछ आपका फंक्शन है आप उसी को करें। तो जो फंक्शन का काम कर रहे हैं पावर है तो आप वही रखें, 3 का 3 रखिए और जितना है उसमें से एक कम कर दीजिए, मतलब जो भी है। अब ये इसको तो सिंपल जो भी आपका चल रहा है वो आप रखें 6x2। मैं बोलूँगा कि ये सिंपल है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। हाँ चलो एक और एग्जांपल मैं लिखता हूँ, फिर हम लोग कुछ इसके रूल्स हैं उस पे बारे में भी हम लोग बात करेंगे, है ना। नेक्स्ट आप y इक्वल्स टू चलो 7 sec x। हाँ तो देखो ये तो आपका साफ सुथरा डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। हाँ जी देखो ऑफकोर्स अब इतना लिखने से आंसर लिखना तो बेवकूफ़ी ही है, क्यों, क्योंकि भाई पूछ ही नहीं रहे हैं कि क्या निकालना है, तो ध्यान से हम कर ही रहे हैं क्या डिफरेंशिएशन। सो ऑफकोर्स हम लोग dy बाई dx के बारे में ही बात कर रहे हैं कि dy बाई dx क्या होगा, है ना। तो dy बाई dx हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट तो कोई बात नहीं, dy बाई dx जो हम लोग लिख रहे हैं वो 7 को आप बाहर निकाल दीजिए एंड डिफरेंशिएशन हमें किसका लिखना है, हाँ डिफरेंशिएशन किसका है sec x का, तो आप इसको लिख सकते हैं, लिखिए 7 sec x का क्या होता है, जिनको ध्यान है याद है अच्छी बात है, नहीं तो मैं बोलूँगा कि वाइल ट्राइंग क्वेश्चंस आप फॉर्मूले को पलट पलट के देखते जाइए, 2 बार 3 बार 5 बार हम देखेंगे ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, ऐसा नहीं कि आप बैठ के रट रहे हैं, ऐसा नहीं करिए, आप प्रैक्टिस करोगे 2 बार 4 बार देखेंगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, है ना। सो आप नहीं है तो आप पलट के देख भी सकते हैं। हाँ चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था, आई होप कि हम लोग टेबल कहाँ पर होगा, हाँ टेबल इसमें है, कॉटेक्स है, कॉसेक एक्स है, इससे भी पहले हम लोगों ने लिखे होंगे, सेक एक्स यहाँ पर है, आई होप कि देखना चाहिए, हाँ ये है ना। तो सेक एक्स का हमारा डिफरेंशिएशन है सेक एक्स इंटू वॉट टेन एक्स, तो हम लोग इसको यूज कर लेते हैं, है ना। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, हाँ जी सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू वॉट टेन एक्स हो गया, बिल्कुल। तो फॉर्मूला सिंपल सिंपल है, आप इसका ध्यान रखेंगे आपको क्वेश्चंस में ज़्यादा दिक्कत आएगी ही नहीं। हाँ जी नाउ कुछ बेसिक रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है उनको भी हमें पढ़ने हैं, है ना। चलिए हम नेक्स्ट उस पर आते हैं, ओके।